विलक्षण एक सार्थक पहल और बोल्ड शोध मंजूषा द्वारा संयुक्त तत्वाधान में वेबिनार का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं इनको बहुत अधिक बधाई देता हूँ और साधुवाद के पात्र हैं कि इस समय में इन्होंने इस तरह के एक सार्थक विषय का चयन करते हुए कोरोना वर्तमान समय में जो महामारी फैली है इस संदर्भ में एक वेबिनार का आयोजन किया है। इस हेतु मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। कोरोना वैसे तो सभी को पता है, आज के समय में कोई भी इससे इसकी जानकारी से अछूता नहीं है। मैं इसके जो क्षेत्र हैं राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक, इन क्षेत्रों के विषय में अपने विचार रखना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना समस्या समाधान, समस्या हुई कहाँ से हुई और समाधान, ये मैं समझता हूँ कि हमारे बस में नहीं है और इस क्षेत्र पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक क्या प्रभाव है, आने वाले समय में क्या प्रभाव दिखेगा, इस पर ज़रूर हम चिंतन कर सकते हैं। तो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मेरा जो मानना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो राजनीतिक अगर प्रभाव देखें तो समाज इससे पूरी तरह प्रभावित रहता है। कहाँ से शुरू हुआ, जब कोरोना आया तो पता था कि चाइना में फैल रहा है, दबे पांव कुछ सुगबाहट थी और मीडिया में भी चर्चा में था। वर्तमान में अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कहें तो राजनीति पूरी तरह से एक मीडिया पर आधारित हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारे टीवी चैनल्स कहें या सोशल मीडिया, पूरी तरह से राजनीति इनमें समाहित है। और दूसरा सोशल मीडिया, समाज जो है उसने सोशल मीडिया को सामाजिक उन्नति के बजाय एक राजनीतिक मार्ग बना लिया है। ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखते हैं तो किसी सोशल इशू पर कम और राजनीतिक इशू पर ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती हैं। तो कोरोना के विषय में भी अगर हम बात करें सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, टीवी चैनल्स पर बताया गया या एक अचानक से डिसीजन लेना पड़ा, मेरी मैं व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ कि लॉकडाउन का अचानक डिसीजन लेना पड़ा, तो इस संबंध में पहले कोई विचार नहीं किया गया कि इतने बड़े देश में जहाँ हमारी अभी तक जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा या अभी तो उनसे भी बहुत दूर पहली आवश्यकता देश के वर्तमान समय में लग रही है मजदूरों को आते जाते हुए देखकर कि 40-50% 60% अभी तक भी भूख से जूझ रही है, जिस तरह मजदूरों को आता जाता हुआ देखते हैं, तो शायद मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो भी जिसने भी हमारी अग्रिम पद्धति के जो राजनेता है उनको अगर कोई विचार दिया या सोच दी कि इस तरह से इसको एकदम से रोक दिया जाएगा तो सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि अगर मान लो नहर टूटती है तो सबसे पहले जो है वो जहाँ से डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, वहाँ पर उस बांध पर अंकुश लगाकर उसके बाद नहर के पानी को किस क्षेत्र में भेजना है उसके लिए उपाय करना चाहिए कि ये जन हानि ना करे। इसी प्रकार कोरोना कहाँ से आया, किस प्रकार आया, या ये तो है नहीं कि ये अपने आप आ गया। जो भी इससे रिलेटेड व्यक्ति थे, ये नहीं है कि वो जहाज से आए, उनका वहाँ रिकॉर्ड नहीं था। जितने भी प्लेन आए तो उनमें पासपोर्ट था, पासपोर्ट में उनके जो एड्रेस थे, एड्रेस से उनको ट्रेस करते, और अगर कोई विदेशी थे तो 3 दिन का समय देकर के भी हमारा देश खाली करो, जाओ यहाँ से। ऐसा सख्त बोल्ड डिसीजन मेरे व्यक्तिगत विचार से लिया जाना चाहिए था, और फिर जितने भी आए उनके पासपोर्ट से उनको लेके क्वारंटाइन करते और कुछ समय का ढील देकर उसके बाद उनको ट्रेस करने के बाद उसमें उनको क्वारंटाइन किया जाता या मेडिसिन दी जाती, लेकिन वो बातें बीत चुकी है। अब उसका राजनीतिक और व्यक्तिगत या सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक रूप से देखें तो मीडिया
ने बहुत एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि कुछ गलतियां कुछ समुदाय की या कुछ विशेष व्यक्तियों की रही, क्योंकि हर समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ रही तो, लेकिन इस प्रकार से कुछ चला आ रहा है। मेरे बताया हुआ कि ये जो है व्यक्तिगत विचार के कुछ समय से ऐसा चला रहा है कि आप पूरी तरह से भारत का इतिहास ही चेंज कर दो। पहले कुछ था, अब इतिहास बदलने से हमारी सामाजिक मान्यताएं नहीं बदलेगी या हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होगा। वर्तमान समय में चाहिए कि राजनीतिक है वो जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, न कि इस प्रकार की भावनाओं का कि इतिहास से हमने उस समय इस प्रकार की घटनाएं हुई, इतनी हमारे पूर्वज इतने महान थे, ठीक है मानते हैं महान थे, लेकिन वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा, क्या ये कभी सोचा है? अब कोरोना एक छोटा सा वायरस है, वो हमारे पूर्वज कितने ही महान रहे हो, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति इससे सोच सोच कर या भावी पीढ़ी भी कहें तिल तिल करके मर रहा है। ये एक द्वेष जो मीडिया ने शुरू में उत्पन्न किया, एक ऐसा लोगों में आप इतना द्वेष उत्पन्न हो गया कि वो दिखाई दे रहा था कि लोग अगर घर से बाहर निकले, कोई काम से भी निकला है, तो मैं कहीं पुलिस की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है कि बिना कुछ पूछे धड़ाधड़ पुलिस वाले लोगों को मार रहे थे, आम जनता मार खा रही थी। क्यों, मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं नहीं देखा कि छोटा मोटा भी कोई राजनेता पिटा हो। घर से निकले वो तो गए, हम जी सामाजिक कार्य के लिए जा रहे हैं, हम आपस में वो उनकी श्रेणी अलग है। वर्तमान में अगर हम देखें तो राजनीतिज्ञों की श्रेणी है वो अलग हो चुकी है, सामान्य जनता नहीं है, वो सिर्फ वोटों के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम आपके जैसे ही हैं, आपके तरह सामान्य हैं, आपकी तरह सामान्य जनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सामान्य जनता नहीं है। सामान्य जनता का कोरोना जो है वो पुलिस वाले जो एक मीडिया ने जो आप द्वेष या फैलाया था वो उसमें निकाल रहे थे, डंडों से कोरोना झाड़ रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद ठीक है उनकी बहुत ही सकारात्मक पक्ष भी उभर कर आया, लेकिन एक जो द्वेष और ऐसा जो भाव चल रहा था उसमें सामाजिक द्वेष इतना बढ़ गया कि ये जो आने वाला समय, मुझे नहीं लगता कि इसका असर बहुत लंबे समय तक दिखाई देगा। तो अभी भी देखते हैं कि कहीं शादी विवाह या शोक संदेश वो मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, और अभी ऐसा चल रहा है क्योंकि संक्रमण काल में हम इस पर कह भी नहीं सकते, लेकिन भविष्य में क्या रहेगा। ये जो हमारी हम बहुत अधिक अपनी संस्कृति को अपनी सभ्यता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते थे कि हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी है, अब वो सभ्यता और संस्कृति वो जड़ें जो हमारे मूल में थी वो जड़ें भावी पीढ़ी में हिल रही है। हो सकता है कि कुछ जो संस्कार लिए बैठे हैं, लेकिन भावी पीढ़ी जो है वो अपने आगे के भविष्य के लिए सोच रही है, क्या हम क्या भविष्य दे रहे हैं। इस तरह एक छोटा सा वायरस पूरे विश्व को संक्रमित करके और पूरे विश्व को जिसने हिला दिया है, उस छोटे से वायरस से जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृति, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति में की तरह आगे पड़े जाएं, संभावना व्यक्त हो रही। तो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बड़ी विकट हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि प्राथमिक आवश्यकताएं हमारी चिकित्सा है, शिक्षा है, रोजी रोटी है। नहीं, मैं बुराई नहीं करूंगा कि मंदिर मस्जिद है जो भी है वो भी जरूरी है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ न कुछ मानसिक संविधान भी होना चाहिए, वो मानसिक संविधान है, लेकिन वो संविधान जब मानवता से ऊपर हो जाए उसमें वो बुराई बन जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक जिले में देखा जाए तो कितने ऐसे हॉस्पिटल है जिनमें वेंटिलेटर है, कितने वेंटिलेटर हैं,
जिले की जनसंख्या को देखते हुए हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, उसमें बेड कितने हैं, ये आज तक कभी ध्यान नहीं गया। हमने इतिहास पढ़ा कि वो विदेशी आक्रांताएं आई, हमारे पूर्वजों ने ये किया, ये उनसे सीखा क्या कि कितनी महामारी आई, उसमें कितने लोग मरे, और अगर लड़ाई में भी मरे तो कितने घायल हुए, उनको कितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं उस समय प्राप्त हुई, वो गलतियां सीखे कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना आगे उन्नति की है, विकास किया है। नहीं, उसमें प्राइवेटाइजेशन भी एक तरह से कहें कि लूट की दुकान, जितना अधिक प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा देंगे उतना ही अधिक आपातकालीन स्थिति में वो दुखदाई होगा। ये आज जितने मजदूर बेचारे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं भूखे प्यासे, डंडे भी खा रहे हैं, ये सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र वाले हैं, संगठित क्षेत्र के नहीं है, सरकारी तंत्र के नहीं है। इसी प्रकार चूंकि बताया ध्यान नहीं गया, ये बहुत लोगों को भी या मानसिक या सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से कर दी कि व्यक्ति का ध्यान, क्योंकि व्यक्ति जो है वो मेरा मानना है अकेला नहीं रह पाता, सामाजिक प्राणी है, बहुत साथ चाहिए, और एकांत में भी उसके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अवधारणाएं ईश्वर की या जो भी अपना धर्म मानता है उसके प्रति उसकी चलती रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढता है। तो वो सहारा अगर विज्ञान के माध्यम से दिया जाता, हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ सुदृढ़ होती। अब उसमें बहुत से तर्क आ सकते हैं कि यूरोपीय कंट्रीज की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अधिक सुदृढ़ हैं, वहाँ भी ये है वो है, लेकिन उनके खान पान और हमारे खान पान में बहुत अंतर है। हम डेली नित्य जो है कहीं ताज़ा पका कर खाते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण इतने अगर ये प्रभावी हुआ है तो इसके कारण। तो अब चाहिए कि अभी भी अगर हम सीख लें कि राजनीतिज्ञ और सामाजिकता अभी जैसे जुड़ी हुई है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया को नियंत्रित करके, और एक आम मानव का या भावी पीढ़ी का वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा इसको सोचकर भी अगर हम प्लानिंग करें तो भी मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका, एक सीख है उसको। इसके लिए इतिहास बदलने की जरूरत नहीं है, वर्तमान जो है आप मान लो जिस दिन से कोरोना आया उस दिन से आज तक का इसे इतिहास ही समझो और इससे प्रेरणा लो। अब शैक्षिक की बात करें, बड़ा विचित्र लग रहा है कि सामने ऑडियंस नहीं है और मेरे शिक्षाविद भी नहीं है, उनके भावों को जान सकूं, उनके चेहरों को देख कर कुछ कि मुझे कैसा एक मस्तिष्क में एक उद्दोलन चलता रहता है कि सामने वाले के भाव देखकर भी बहुत सी बातें मस्तिष्क में आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बंद कमरे में अब वेबिनार नाम दे दिया है, बोल रहा हूँ पागल की तरह, सामने कोई ऑडियंस नहीं है। अब शैक्षिक इस तरह तो ऑनलाइन पढ़ाना, हमारी व्यवस्थाएं बड़ी सुदृढ़ है कि हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां भी कई बार कहता है कि टावर आ गया आ गया 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 गया, ये नेट स्लो हो गया, चलो अब ठीक हो गया, अब स्पीड ठीक आ रही है, अब नेट गया। अब ये जितने मिनट का ऑडियो मैं डाउनलोड करूंगा ये भी आगे सही चलेगा या नहीं चलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है कि डाउनलोड होगा या नहीं होगा, प्रत्येक क्षेत्र में डाउनलोड होगा या नहीं होगा। जो बड़ी सिटी में बैठे हैं, मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटी में बैठे हैं, उनके वहां चलता होगा, लेकिन अब कितने लोग रहते हैं वहां, कितने शैक्षिक बच्चे जो हैं वो, या कितने बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन है और फिर उनके पास नेट की सुविधाएं हैं, और नेट की सुविधा होने पर भी उनके पास 4G या ये तो ब्रॉडबैंड पॉसिबल नहीं। हाँ ठीक है कि अपने ये जो बंद AC कमरों में बैठकर
और डिसीजन दे देते हैं, यूजीसी ने भी डिसीजन दे दिया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दो, और क्योंकि उनके बच्चों के पास सुविधाएं हैं होगी। इसी प्रकार बहुत सी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन क्लासेस लगा दो, प्रयास कर रहे हैं। बच्चा क्लास में आके पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ नहीं पाता, सीख नहीं पाता। और कल तक हम कह रहे थे कि बच्चों के लिए एंड्रॉयड फ़ोन है वो एक नशा है और उससे कैसे मुक्ति मिलाएं। कल तक बच्चे को मैं डांटता था कि तेरे को फ़ोन ये नहीं दिलाऊंगा, ये फ़ोन नहीं दिलाऊंगा, नेट का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और आज कहूँगा नहीं, आज तू ये क्लास अटेंड कर, वो कैसे करेगा? जब तक भावों का, संवेगों का आदान प्रदान नहीं होगा, शिक्षा कहते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों क्रियाएं समावेशित है, तब जाके कहीं बच्चा सीख पाता है लर्निंग बाय डूइंग। लेकिन ठीक है, प्रयास है एक, लेकिन अभी अभी हमारे देश की ये स्थिति नहीं है। गंभीर, बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि कोरोना काल में आगे राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्थाएं क्या होंगी। सोशल डिस्टेंस का नाम दिया है, आगे कितने समय तक हम इस प्रकार से विद्यालय नहीं लगा पाएंगे। बच्चों के परीक्षाएं सोशल डिस्टेंस को देखते हुए ऑर्डर आ गया है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए परीक्षाएं करवाई जाए। अभी मैंने किसी कारणवश कार्यालय में गया था एक उच्च अधिकारी के, तो कम से कम 150 के करीब एप्लीकेशन थी निजी विद्यालय, महाविद्यालय, बीएड कॉलेज के शिकायत को लेकर कि जिस स्टाफ को हटा दिया है या हम गए थे उन दिनों के भी पेमेंट नहीं दिए। हाल तो ये है। और यूजीसी कहती है, यूजीसी सर्कुलर निकालती है, गवर्नमेंट सर्कुलर निकालती है कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। क्या यूजीसी, सरकार, जो प्राइवेट क्षेत्र के विद्यालय महाविद्यालय है उनकी सही मॉनिटरिंग करती है कि वो अपने स्टाफ को सही समय पर नियत वेतन देते हैं या नहीं? वो कक्षाएं कैसे लगाएंगे? सिर्फ कुछ वीडियो डाल देने से? सरकार भी बड़ी प्रयासरत है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए, व्हाट्सएप के ऑर्डर निकाल दिए, ग्रुप बना के और उनको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, बच्चे पढ़ेंगे, उनको जोड़ के पढ़ाया जाए। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी चल ही रहा है कि एक सेमिनार इस क्षेत्र में, वेबिनार नाम सॉरी चेंज हो गया। तो क्या यह संभव है? अभी मानसिकता ही हमारी यह नहीं हुई है कि हम ऑनलाइन क्लासेस का पैटर्न या एग्जाम पैटर्न चेंज कर सके। परीक्षा से संबंधित बच्चे परीक्षा देने के लिए आएंगे, यूजीसी का सर्कुलर है कुछ आया कि ऑनलाइन एग्जाम भी करवा लिए जाए, कहाँ बैठ के बच्चा एग्जाम देगा? गांव में दूर दराज ढाणियों में जो बच्चा रहता है, जहाँ फोन का सिग्नल सही नहीं जाता, उनके पास अभी तो बताया कि रोजी रोटी की दिक्कतें चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें एंड्रॉयड फोन और ऑनलाइन क्लासेस की, तो जो एसी में बैठे हैं, जो नियम बना रहे हैं, हो सकता है उनके लिए पॉसिबल हो, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र में है या ऐसे बालक जो कि किसान परिवार के हैं, दूर दराज ढाणियों में बैठे हैं, छोटे गांवों में बैठे हैं, उनके लिए संभव नहीं। वेबिनार में भी है, अब बहुत से ऐसे बताया आपको कि प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने स्टाफ रिलीव कर दिया, समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे स्टाफ उनका क्या कसूर? सामाजिक या इस राजनीतिक संरक्षण में पलते हुए इन प्राइवेट जो दुकानदारी है इनमें वो पिस रहे हैं।
ऐसी स्थिति में शैक्षिक उन्नति की बात कैसे कर सकते हैं? शैक्षिक चिंतन, एक चिंतन का जो मस्तिष्क, बहुत से सोशल मीडिया के ऐसे ग्रुप हैं जो टीचर्स के हैं, उनमें बहुत बार क्या अभी चल रहा है कि प्राइवेट जो मैनेजमेंट है सैलरी नहीं दे रही, हम कैसे ऑनलाइन क्लास लें, ये तो अभी तो हम बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं पूरा देश जो है, और हम ऐसी स्थिति में बात करें कि बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे, तो ये आदर्श बातें करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर ये अभी संभव नहीं। अभी तक तो 49-50 डेज हो गए हैं देश में लॉकडाउन चलते हुए, हम विदेशों से ला रहे हैं, सही रूप से हमारे पास सही कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी आज से 15 ट्रेन चली है, बसेस चल नहीं रही, कभी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए रोकते हैं, कभी कहते हैं नहीं जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में शिक्षक भी है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। मैं तो खुद थोड़ा भुक्तभोगी हूँ, अब ज़्यादा नहीं कहूँगा कि एक कुछ सामान लाने के लिए घर से बाहर निकला, 3-4 पुलिस वाले ऐसे एक अचानक ऐसे आवाज़ में बोले सामने कौन है क्या है, कुछ नहीं पूछना। मैंने हालांकि बताने के बाद ज़रूर उनका व्यवहार है परिवर्तित हुआ, लेकिन एक बार तो उनके शब्द मतलब है कि सिर से नख तक खुद के बदन में ऐसे आग लगे, ऐसे अचानक ऐसे भड़ककर बोले, जैसे कोरोना फैलाने वाला मैं या दोनों पॉकेट और चारों मेरे कोरोना से भरी हुई है और मैं ऐसे उड़ाता ही जा रहा हूँ, ये स्थिति बनी हुई है। और ऑनलाइन क्लासेस का तो कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर बच्चे इसे ग्रहण कर सके तो बहुत से ऐसे चिंतन के विषय है जो कहना चाहता हूँ, पर बहुत से स्पष्ट रूप से कह भी नहीं पाता, क्योंकि ये वीडियो बहुत से प्रबुद्ध जन के बीच जाएगी जो हो सकता है नीति निर्माण भी करते हों, लेकिन क्या नीति निर्माण जो होता है वो आम नागरिक को देखकर होता है? किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं देखा मैंने कि उनको कोई कठिनाई हुई हो लॉकडाउन में भी, इस स्थिति में क्या वो प्रभावित भी हुए हों, उनको कोरोना भी नहीं छू सकता, कहाँ से आया और प्रभावित कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन प्रभावित हो रहा है, छोटे बच्चे जो है जिनके मस्तिष्क में हम क्या पहुंचा रहे हैं ये भी अभी स्पष्ट नहीं, क्योंकि खुद सहमे डरे बैठे हैं कि इस भविष्य में आगे क्या होगा, क्या हमारे बच्चे मास्क लगाकर ही सांस लेंगे? जो एक गुरु शिष्य की परंपरा थी कि गुरु को देखकर आदर से खड़ा होता, आदर भाव से गुरु को नमस्कार करता, अब ऑनलाइन क्लास में वो किसको नमस्कार करेगा, सामने अपने जो डिवाइस है उसको, या उसमें वो आदर सत्कार श्रद्धा के जो भाव है वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे संवेग तो समाप्त हो रहे हैं। ये जो आगे सामाजिक परिवर्तन आएगा है, हमसे शिक्षा के साथ ही सामाजिक परिवर्तन आता है, जब अब शिक्षा में परिवर्तन आया है, जितना प्राइवेटाइजेशन आया है, ये जो दुकानें खुली हैं या भोगवादी प्रवृत्ति जो बनी है उसके कारण, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जो बालक आते हैं उनमें और प्राइवेट क्षेत्र के स्कूलों में जो बालक जाते हैं उनमें अगर आप अंतर देखो तो जमीन आसमान का अंतर। धन्य सरकारी शिक्षक तो ऐसे बच्चों में से भी वो ऐसी प्रतिभाएं निकालते हैं कि प्रतिभाएं या जिनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, अच्छे सुख सुविधाएं मिली है, वो सब प्राइवेट में जाती हैं। तो
आगे अगर डिवाइस से हैं तो वो जो एक श्रद्धा और आदर सत्कार के भाव थे वो गुरु के प्रति या गुरु जो सिखाता था बहुत कुछ है। वो डंडे का जब से छोड़ना हुआ है तब से, हालांकि बहुत से बालक कहीं बिगड़े भी हैं, और अब अगर कितने समय तक ऑनलाइन क्लासेस चलेगी या हमें कोरोना से के साथ जीना है, तो डर डर कर एक भय हर समय मस्तिष्क में रहेगा सामने वाले के, कहीं कोरोना ने अब सोशल मीडिया पे आता भी है कोरोना से बचना है, तो हर समझो कि हर सामने वाले के कोरोना है, इस तरह कैसे कक्षाएं होंगी, मूल्यांकन कैसे होगा, ये बहुत से विषय हैं जो जिन पर चिंतन करना आवश्यक है। और चिंतन सिर्फ मेरे या कुछ प्रबुद्ध वर्ग, सामान्य प्रबुद्ध वर्ग के चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, ये चिंतन जब ऊपर बैठे हुए लोग करेंगे और आम जनता के बारे में सोचकर निर्णय लेंगे तभी ये सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। ये बहुत ही अच्छा विषय चुना नरेश जी ने, लेकिन विषय चुनने से इसकी सार्थकता का अभी हम आकलन नहीं कर सकते। अभी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि अभी तो हमें सही रूप से देखा जाए, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती या ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्री में बढ़ रहे हैं, एक अनजाना भय जो है वो मन मन मस्तिष्क में है कि उसी प्रकार अगर इधर भी बढ़ने लगे तो क्या होगा, क्या हम मानवता को बचा पाएंगे, हमारे बच्चे हैं उनको क्या भविष्य देंगे, किस प्रकार से उनके मस्तिष्क में जो पहले आदर भाव आपसी भाईचारा प्रेम की बातें वो जो सिखाते थे, अब ये सिखाएंगे कि हर व्यक्ति से 6 फीट दूर रहना, किसी से दूर से ही हाय हेलो, मुंह पर हर समय मास्क लगाए रखना, क्या सिखा पाएंगे, और शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार कक्षा कक्ष की जो का जो वातावरण, एक विद्यालय का वातावरण, गुरुकुल का सा वातावरण था, वो वातावरण कैसे तैयार कर पाएंगे, घर में वो वातावरण नहीं हो सकता, जो एक पीयर लर्निंग होती है वो कैसे होगी, बहुत सी अनकही बातें जिन्हें हो सकता है मैं नहीं छू पाया हूँ, मेरे आगे और बहुत से साथी छू पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे जहन में चलते रहते हैं कि इस समय वर्तमान में हमारी पीढ़ी का क्या होगा, क्या इसी तरह यह मीडिया कुछ 5-7 व्यक्तियों को बुलाकर इसी तरह हो हल्ला हमेशा करता रहेगा, क्या वही इतिहास प्रत्येक जो भी राजनीतिक पार्टी आएगी उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, और इतिहास लिखने वाले भी एक प्रबुद्ध व्यक्ति वो सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की चाटुकारिता के कारण इतिहास लिखते और परिवर्तित करते रहेंगे, क्या शिक्षा भी उसी तरह राजनेताओं के अनुसार ही, राजनीति के अनुसार ही परिवर्तित होती रहेगी, क्या कभी हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा कि हम शिक्षा स्वास्थ्य या व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है इसकी तरफ ध्यान देकर इस निजीकरण को समाप्त करके पुनः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को कुछ सुरक्षित कर सके, ऐसी कोई प्लानिंग ऐसी योजना ला पाएंगे, क्या स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा वर्तमान समय से, इसको सीख लेते हुए क्या तहसील स्तर पर एक अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चिकित्सालय बनाया जाएगा जिसमें कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल हो,
कम से कम 20 वेंटिलेटर तहसील स्तर पर, क्योंकि कोई भी वायरस म्यूटेट होकर कभी भी आ सकता है। अब आया है, हो सकता है 2 साल बाद या 10 दिन बाद दूसरा आ जाए, समय बहुत कम है। बुजुर्गों की कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा का। तो इससे अगर सीख लेते हुए हम आपसी द्वेष और घृणा की भावना ये मिटाकर, ये द्वंद्व जो है वो मिटाकर राष्ट्र की ओर या राष्ट्र की भावी पीढ़ी की ओर सोचें कि इन बच्चों को हम आगे भविष्य को क्या दे रहे हैं, क्या देंगे। और ऐसे चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया हो, सिर्फ सामाजिक चिंतन हो, पक्ष विपक्ष के आदमी, किसी का महिमा मंडन या कोई बहुत बुरा है उस पर कभी ना जाए, कम से कम मैं कहता हूँ टीवी चैनल से ना जाए। बुरा है वो अपना कर्म भुगतेगा, अच्छा है उसको अपने आप, जनता आप क्यों किसी की प्रशंसा या किसी की बुराई कर रहे हो? जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसका बहुत बढ़ा चढ़ाकर सुबह से शाम तक गुणगान करना कम से कम मेरी दृष्टि में अच्छा नहीं। जो है, काम क्या हुआ है, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि हमारा वर्तमान में शिक्षा स्वास्थ्य रोजी रोटी के लिए क्या चल रहा है और भविष्य में हमारी शिक्षा चिकित्सा और भारतीय नागरिक की रोजी रोटी के लिए क्या योजनाएं हैं, सिर्फ इतनी चर्चा। भूतकाल है गया वो गया, भूतकाल के लिए रोने से कुछ नहीं होगा, वर्तमान में जियो और भविष्य की आशाओं को लेकर जियो, तो हम इस कोरोना के संक्रमण काल से कुछ सीख ले पाएंगे, अन्यथा वही राग वही डपली, फिर उसने उस समय वो उन्होंने गलत इतिहास लिख दिया, अब हम ये लिखेंगे हमारे पूर्वज इतने तकड़े थे, हमारे वो था, हमारा नाम नहीं लूंगा बहुत थे। पर वर्तमान क्या है, वर्तमान में हम सब कोरोना के डर से घर में दुबके हुए हैं और मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइजर मल रहे हैं और 20 बार साबुन से हाथ धो रहे हैं और फिर भी डर है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। अमेरिका भी बहुत कहते हैं कि महाशक्ति, लेकिन वो महाशक्ति आज धारा से, तो कितने ही हो, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा इसको सोचकर अगर राजनीतिक सांस्कृतिक और शैक्षिक चिंतन किया जाएगा, इससे सीख ली जाएगी, तभी सार्थक है। अगर कुछ गलत बोला तो क्षमा चाहूँगा। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।